नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश चौधरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा संस्थान 1962 से किसानों के लिए नए चारा किस्मों का विकास, उनका उत्पादन, उपयोगिता एवं संरक्षण पर नई नई तकनीकियाँ विकसित कर रहा है। हरे चारे का पशु के संतुलित पोषण में महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार मानव को वर्ष भर संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पशुओं को 365 दिन हरा चारा अनिवार्य चाहिए। इसीलिए हमारे संस्थान द्वारा वर्ष पर्यंत चारा उत्पादन तकनीक विकसित की गई है। इस तकनीक में पशुओं को वर्ष भर यानी 365 दिन हरा चारा मिलता रहता है। यह तकनीक दो प्रकार की है। प्रथम प्रकार की तकनीक में बहुवर्षीय घास आधारित चारा उत्पादन तकनीक, द्वितीय प्रकार की तकनीक है मौसमी फसल उत्पादन द्वारा चारा उत्पादन। यहाँ हम बहुवर्षीय घास आधारित चारा उत्पादन की चर्चा करेंगे। इस तकनीक में दो प्रकार की घास आप ले सकते हैं। पहली संकर बाजरा नेपियर, ये बाजरा और हाथी घास दोनों का संकर है। इस घास में बीज नहीं बनते हैं, तो इसकी रोपाई जो है जड़ रहित कल्ले से की जाती है। दूसरे किसान भाई जहाँ जिनके पास फलों का बगीचा है या छाया है, वहाँ आप किन्नी घास ले सकते हैं। एक बार घास को लगाने के बाद ये निरंतर 4 से 5 वर्षों तक आपके पशुओं को हरा चारा प्रदान करती है। सर्वप्रथम हम ये घास लगाने की तकनीक आपको बताते हैं। ये जो संकर बाजरा नेपियर घास है, इसमें आप ये इसकी जो रोपाई की जाती है, इसका जो कल्ला है ये जड़ रहित कल्ला है। तो ये जो जड़ रहित कल्ला निकालने के बाद आप इसको खरीफ मौसम में जैसे ही मानसून सीजन आए इसकी आप रोपाई करें और उसमें पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर पर रखें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये दो पंक्तियों के बीच में 3 मीटर की दूरी है। ये 3 मीटर की दूरी हमने इसलिए रखी है कि आप इन 3 मीटर की दूरी में आराम से ट्रैक्टर चल सके और ट्रैक्टर द्वारा जुताई हो सके। इस 3 मीटर की दूरी में आप खरीफ के मौसम में लोबिया लगा सकते हैं और रबी के मौसम में आप बरसीम की बुआई कर सकते हैं। इस कारण आपके पशुओं को सीरियल्स यानी कि घास और दलहनी फसल जैसे लोबिया और बरसीम से आपको संतुलित पोषण मिलता रहेगा। घास की रोपाई करने से पहले अगर आपके पास गोबर की खाद है तो 10 से 15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टर की दर से खेत में मिला दें और उसके बाद आप 50 से 60 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद ही घास की रोपाई करें। एक बात महत्वपूर्ण है कि प्रथम वर्ष में आप इन दो घास की पंक्तियों के बीच में मौसमी फसल नहीं लगाएं। उससे क्या होगा कि आपकी घास अच्छी तरीके से स्थापित हो जाएगी। अब इस खाली पेड़ जो 3 मीटर की जगह हमने आपको बताई थी रिक्त रखने के लिए, इस 3 मीटर की जगह में 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पे 8 से 9 पंक्तियां लोबिया की लगा। इसमें कोई अधिक फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। जो फर्टिलाइजर उर्वरक आपने घास को दिया है उसी से इसकी पूर्ति हो जाती है। और रबी के मौसम में इसी जगह में आप बरसीम की बुआई कर सकते हैं। प्रथम वर्ष में जब हम इस घास की रोपाई करते हैं तो खरपतवार की समस्या गंभीर बन सकती है, क्योंकि प्लांट पौधे छोटे होते हैं, इसलिए आपको नियमित रूप से खरपतवार को निकालते रहें। उसके बाद के वर्षों में खरपतवार जैसे ही घास अपने आप खरपतवार को दबा देती है तो उसकी ज़्यादा समस्या नहीं बनी रहती। घास की रोपाई आप जब करें जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो। अगर बारिश नहीं हो रही है तो घास की रोपाई करने के तुरंत बाद आप सिंचाई करें। वैसे उसके बाद में खरीफ के मौसम में इसको ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। यदि लंबे अंतराल तक बारिश नहीं हो रही है तो नियम आवश्यकता अनुसार इसमें सिंचाई करें। लोबिया की कटाई के बाद किसी जगह पर खेत तैयार करके और इसमें बरसीम की बुआई करें। बुआई से पहले 20 किलोग्राम नत्रजन और 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस अवश्य डालें, जिससे आपके बरसीम की बढ़वार और अच्छी। घास की पहली कटाई रोपाई के 70 से 75 दिन बाद करें। उसके बाद 35 से 40 दिन के अंतराल पर कटाइयां करते रहें।
पौधे की वृद्धि को देखते हुए लोबिया की कटाई जो है, आपको जब लोबिया में फली बने, फली बनते समय उसकी लोबिया की कटाई करें, और बरसीम में की पहली कटाई 55 से 60 दिन के 60 दिन पर, और उसके बाद 25 से 30 दिन के अंतराल पर बरसीम की कटाइयां करते रहें। इस प्रकार इस पूरी प्रणाली से आपको घास की 7-8 कटाइयां मिल जाती है, लोबिया की एक कटाई, और बरसीम की आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। इस प्रकार इस पूरे सिस्टम से, इस पूरी प्रणाली से आप वर्ष भर में 1800 से 2000 क्विंटल तक हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके पशु को संतुलित आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसान भाई अगर इस तकनीक के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के कृषि तकनीकी सूचना